आज कारगिल में भारतीय सेना और वीर जवानों की वजह से भारतीय सेना ने अपना परचम लहराया था, जीत हासिल की थी। इस शौर्य के उपलक्ष में विजय दिवस जो मनाया जा रहा है, इस मौके पर आज शहीद अमर शहीद विजयपाल जी ढाका की प्रतिमा स्थल एवं उनके माता पिता का आशीर्वाद लेके उनकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके नवलगढ़ के हमारे जितने भी वीर अमर सेनानी जो शहीद हुए हैं उनके हर घर जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, उनके माता पिताओं से आशीर्वाद लेंगे, हमारी जो वीरांगना माताएं बहने हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम और कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, बल्कि आज इस ऐतिहासिक दिन में हम उनके घर पे जाके उनसे सुख दुख की बात जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मेरी पूरी टीम, हम पूरे नवलगढ़ विधानसभा के हर गांव में जहां पे शहीद की प्रतिमा लगी है, जहां पे शहीद के माता पिता हमारे हैं, जहां पे शहीद की हमारी माता बहन वीरांगना है, उनसे मिलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और शाम तक इस यात्रा को कंप्लीट करेंगे। देखो, शहीदों की कोई गिनती नहीं होती, वैसे तो अमूल्य होते हैं। और तकरीबन हमारे लाइन ख्यालिया जी कह रहे हैं कि 44 शहीद हैं, हम उनकी लिस्ट हैं, हम उनके पास डोर टू डोर जाएंगे, ख्यालिया साहब के मार्गदर्शन में हैं और सबसे मुलाकात करेंगे। कुछ हमारी वीरांगनाएं माताएं और बहनें सिकुर और झुंझुनू या किसी अन्यत्र जगह पे रह रहे हैं अभी, तो आज के बाद जब भी हमें मौका मिलेगा हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे, उनके भी सुख दुख में भागीदार बनेंगे। दिवस 26 जुलाई हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की जो शेखावाटी की धरा है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 746 जवान शहीद हुए थे, उसमें से हमारी जो वीर भूमि है शेखावाटी की, उसमें से 284 जवानों ने अपनी बलि हमारे देश के लिए चढ़ाई थी। और जहाँ कहीं भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर बोलने का या घूमने का या मिलने का या किसी की बातें सुनने का मौका मिलता है, तो वो जो शेखावाटी झुंझुनू का नाम आता है सबसे पहले, कि झुंझुनू के वीर सिपाही जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी सरहद के लिए, अपने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति समय समय पे कभी भी वो पीछे नहीं हटे। जब तक एक बार लड़ाई स्टार्ट होती है तब से लेकर के लास्ट तक उन्होंने अपनी जो भूमि है उसका नाम, जो शेखावाटी की भूमि है उसका नाम कभी भी उन्होंने खराब नहीं होने दिया। और आगे भी मैं जो अभी सेना में कार्यरत हैं उन सभी वीर जवानों से मेरी यही अपेक्षा है कि आज तक उन्होंने हमारी जो वीर धरा है, वीर भोगे वसुंधरा के नाम से शेखावाटी की जो धरा है उसको बोला गया है कि ये वीरों की भूमि है, इस भूमि पर वीरों का निवास होता है, और आगे भी चल के हमारे जो वीर सिपाही हैं वो भी ऐसे ही शेखावाटी का नाम रोशन करेंगे। और मेरी सभी से यही कहना है, जितने भी वीर सिपाही हों, हमारे समाज के लोग हों, वो एक शहीद की वीरांगना को, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को एक अलग से स्पेशल दर्जा दिया जाए और उनको एक विशेष प्रकार की कोई सुख और सुविधाएं दी जाए। अपनी बलि देकर देश को एक ऊंचे मुकाम पर, शिखर पर पहुंचाया, और कारगिल युद्ध में जो एक छोटे से पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी थी उस पर युद्ध करके विजय हासिल की थी, हम उनको इस वर्ष सत सत नमन करते हैं और उनको भावांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।